गाजियाबाद से खबर है जहां गौर प्लाजा बिल्डिंग में भीषण आग लगी है और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ है। साहिबाबाद शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 के पास यह हादसा हुआ। जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट इस आग को लेकर? तो जितेंद्र तक अभी मेरी आवाज नहीं जा पा रही, हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं कि अभी वहां पे क्या हालात है। चूंकि आग लगी, दमकल विभाग की सूचना दी गई, मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, काफी मशक्कत की गई और इस आग को बुझाने के लिए अब भी टीम यहां पर मौजूद है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस आग को लेके अभी क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आग है ये गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शालीमार गार्डन में लगी थी और एक बुटीक की दुकान है उसमें आग लगी थी और जैसे ही आग लगी तब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, तब तक आग फैलती चली गई और ऊपर के एक मंजिल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, 4 से 6 गाड़ियां उनकी पहुंची थी और आग पर पूरी तरह से काबू पाने में लगभग 2 घंटे उनको लगे और जिसमें लगभग लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही इसमें कि किसी की भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो इस आग पे 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया और दमकल विभाग की कई टीमें यहाँ पहुंची थी।